आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलैट के गांव गड़ी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 32 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 7000 वोट और 1800 वोटों वाले इस गांव की कमान मोहम्मद यासीन के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्ष में किस तरह से इन्होंने गाँव को सजाया है, आइए जानते हैं प्रधान की जुबानी। जी, प्रधान जी, का नाम आपका? मोहम्मद यासीन कुरैशी। सर, 4 वर्ष हो गए हैं आपके यहाँ कार्यकाल को। 4 वर्ष में सर आपने क्या क्या कार्य अपनी पंचायत में कराया है? हमने अपनी पंचायत में सड़कें बनवाई हैं, सब में सीसी रोड बनवाए हैं और हैंडपम्प लगवाए हैं, स्कूलों में बहुत काम करा है। 530 शौचालय बनवा दिए, मकान का निर्माण कर दिया और अब जो है ना 95 मकान और आ गए हैं हमारे पंचायत में, उसके बनाने की तैयारी है। ODF पंचायत हो चुकी है आपकी? हाँ, ODF कर दिया, शौचालय ODF हो गया। ग्राम मंत्री आवास कितने बने? ग्राम मंत्री आवास हमारे यहाँ 7 बने। 7 बना। अच्छा, पात्र व्यक्ति आपकी पंचायत में हैं, मानक पात्र जो आवास चाहते हैं? हाँ, आवास चाहते हैं तो उनके नाम सूची में पड़े हैं। 230 आदमी, 220 आदमियों के नाम हमारी पंचायत में डालते हैं मकान के, और 95 मकान हमारे पास हो गए। सम्मान निधि का पैसा किसानों खाते में आया? आता आया, बराबर पहुंच रही है सम्मान। कितने परसेंट लोगों के खाते में पैसा आया? करीब करीब उसको सभी के खाते में पहुंच गया। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड यहाँ लोगों के बने हैं? आयुष्मान कार्ड भी है हमारे यहाँ और राशन कार्ड भी सबके बने हुए हैं। जो सरकार की योजना चलती है जैसे उज्ज्वल कनेक्शन जो चलता है, बिजली कनेक्शन भी फ्री हुए हैं, बिजली के कनेक्शन भी हमारे यहाँ कम से कम 4 कनेक्शन फ्री हुए हैं। अच्छा, सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा आपके पंचायत में क्या क्या है? जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी में भी हमने काम कराया, टैल वगैरह लगवाई आंगनबाड़ी केंद्र में, शौचालय बनवाए स्कूल में, शौचालय बनवाए जूनियर स्कूल में, शौचालय बनवाए जूनियर स्कूल में, जो मरम्मत निर्माण कार्य था सब कम्प्लीट कर दिया, रंग करा दिया आंगनबाड़ी केंद्र में, बच्चों के लिए झूले लगवा दिए। कब्रिस्तान है आपके? हाँ, कब्रिस्तान में सब में कई कब्रिस्तान में गेट लगवा दिए, पेड़ लगवा दिए सब कब्रिस्तानों में। अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या सरकार से आप प्रमुख मांग चाहोगे? ना, सरकार से हमने दे रखा है और सरकार हमें सही दे रही है, सभी ऐसे करवा रहे हैं, काम सही है। क्या डिमांड चाहते हो सरकार से अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए? बस डिमांड क्या है, अब तो हमारे 2-3 कमी है, 2-3 रोड बाकी हैं, बड़े मेन रोड, उसको बनाने के लिए बस मांग है हमारी। और आप यहाँ प्रधान पद पर हैं और के ग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे 9 वर्ष का महीना चल रहा है, 9 वर्ष की भी शुभकामनाएं और 26 जनवरी जो आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं हमारे गाँव वासियों के लिए और आगे के लिए भी, जैसा विकास हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा विकास करते रहेगा। क्या तैयारी है अगली पंचायत में? 2020 में चुनाव होने वाला, अगली पंचायत में इंशाअल्लाह 2020 में भी इलेक्शन लड़ेंगे और जनता हमें वोट देगी। पहले भी हमें 1076 वोट से हमारी जनता ने हमें जिता है और आगे की भी हमें उम्मीद है कि उससे ज़्यादा मतों से हमें जिता है। जी, क्या नाम है आपका? हाजी सर। जी हाजी जी, ये बताइए कि आप विकास कार्यों को लेकर जो प्रधान जी ने कराए हैं क्या करना चाहोगे? जी, बहुत बढ़िया काम कराया, पहले कच्चा था साहब यहाँ सारा, अब तो पक्का करा दिया, हाँ इंटरलॉक लगे, पूरा मोहल्ला चमका दिया हमारा, बहुत बढ़िया मतलब विकास। सर, क्या नाम है आपका? राम कुमार है मेरा नाम। जी, ये जो रास्ता प्रधान जी ने बनवाया है क्या करना चाहोगे इसमें? इसमें सर ऐसा है, पहले बहुत गंदा रहता था और नीचा भी था ये, अब जो है ना ये उससे पहले से बहुत बढ़िया बेहतर हो गया है और जितने भी हमारे गली गली आ रहे हैं प्रधान जी ने बढ़िया करके बनवा दिए। ठीक था, बढ़िया काम करा रहे हैं? हाँ, बढ़िया काम करा रहे हैं, पहले ही बढ़िया जो था उससे भी बेहतर कर दिया है, पहले जो था खड़ंजा था, अब जो है ये इंटरलॉक बना दिया है।